हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिमाचल फुल नॉलेज में। ठीक है, तो आज हम सब पढ़ेंगे जो भी इलेक्शन हुए थे 2018 में उसके बारे में ब्रीफ। एग्जामिनर हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या जो भी से रिलेटेड होगा वह सब कराऊंगा आपको आज। तो हम सब शुरू करें, उससे पहले मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। हेलो, आई एम प्रतीक एंड आई हैव डन एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हिमाचल जी के। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। आप, ये मेरा पेज है हिमाचल फुल नॉलेज फेसबुक पे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसे लाइक कर सकते हैं, वो अपनी कोई क्यूरी हो तो इस पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश इलेक्शन। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, इस बार जो एक बहुत ही मज़ेदार बात हुई थी, जो दो कैंडिडेट थे सीएम के, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल, दोनों ही नहीं बन पाए और हमें नया सीएम मिला जयराम ठाकुर। वीरभद्र जो थे वो जीते सही, लेकिन उनकी पार्टी कुछ खास ना कर पाई। लेकिन प्रेम कुमार धूमल जी को अपनी शिफ्ट सुजानपुर शिफ्ट करनी पड़ी थी और ये सुजानपुर से हार गए और हमारे सीएम नहीं बन सके और हमें एक नया सीएम मिला जयराम ठाकुर। और ये मंडी से पहले हैं जो हमें सीएम मिले हैं। ठीक है, अभी ये इलेक्शन के बारे में बताया कि आपको सबसे पहले याद रखना कि डेट कब है, कब हुए थे ये इलेक्शन, 9 नवंबर 2017 को। ठीक है, और कितनी सीटों के लिए होते, 68 सीटों के लिए। ठीक है, और ये 13th लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन थे। ठीक है, और इसके रिजल्ट कब आए थे, 18 दिसंबर 2017। ठीक है, और 338 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें अपना भाग्य आजमाने के लिए। ठीक है, और ये श्याम सरनेगी जी हैं, इन्होंने ये पहले वोटर हैं इंडिया के, मतलब देख लो आप कितने पहले वोटर इंडिया के, हिमाचल के नहीं इंडिया के, क्योंकि जो आपको पता है 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस टाइम ये कल्पा में रहते थे और कल्पा में आपको पता है कि कितना बर्फ़ वगैरह पड़ी होती है, ये अभी भी कल्पा में रहते हैं। तो ये मतलब वहाँ पे कल्पा में पहले करवाने पड़े थे इलेक्शन, तो 1951 में ही करवा दिए गए थे इलेक्शन 52 की जगह। ठीक है, तो ये पहले वोटर हैं पूरे इंडिया के, और ये बताया कि ये कल्पा से हैं और क्या कहते हैं, ये आपको पता है बाय प्रोफेशन से टीचर हैं। ठीक है, और इन्होंने इस बार 15वीं बार इलेक्शन में मतदान किया विधानसभा इलेक्शन में, और लोकसभा इलेक्शन में 17 बार इलेक्ट कर चुके हैं पार्टिसिपेट। अभी 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने 17वीं बार वोट दिया था और अब ये 18वीं बार देंगे 2019 के, ये 100 साल के हैं। ठीक है, और अब ये बताता हूँ आपको कि क्या रिजल्ट रहा, क्या करा भारतीय जनता पार्टी जीती, कितनी सीटें जीती, ये 44 सीटें जीती। ठीक है, और कांग्रेस 21 जीती और 2 इंडिपेंडेंट और 1 CPI ने। ठीक है, और ये होशियार सिंह और प्रकाश राणा दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इन्होंने होशियार सिंह ने किसे हराया, अरविंद रवि को, और प्रकाश राणा ने किसे हराया, इन्होंने हराया गुलाब सिंह को। ठीक है, और अब ये देखो जो दो मेन लीडर थे जो मतलब ये सीएम की थी और ये एक स्टेट प्रेसिडेंट, दोनों हार गए, प्रेम कुमार धूमल और सतपाल सिंह सत्ती। प्रेम कुमार धूमल किससे हारे, ये हारे रजिंदर राणा से। ठीक है, और सतपाल सिंह सत्ती किससे हारे, सतपाल सिंह रायजादा से। ठीक है, और ये बताया कि वीरभद्र सिंह और विक्रम आदित्य दोनों ही जीते हैं। ठीक है, तो जो पुत्र और बेड़ा थे दोनों ही जीते हैं इलेक्शन में। वीरभद्र जी जो है ये कहाँ से जीते हैं, ये अर्की से जीते हैं, और ये जो विक्रमादित्य जी हैं ये कहाँ से जीते हैं, शिमला रूरल से। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया, इन्होंने हराया डॉक्टर प्रमोद शर्मा को। ठीक है, और वीरभद्र सिंह जी ने किसे हराया, इन्होंने हराया रतन सिंह पाल को। ठीक है, बाकी मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मंडी, इसका 17 असेंबली सेगमेंट है जिसमें 6 जिले आते हैं, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और शिमला। ठीक है, इनमें से केवल 3 ही सीटें मिली कांग्रेस को, तो लगा लो आप हिसाब कितना बुरा प्रदर्शन था कांग्रेस के यहाँ पर। और आप बोलते हैं कि कई जो मिनिस्टर थे वो भी हार गए, मतलब सिटिंग गवर्नमेंट के, जैसे वीरभद्र सिंह गवर्नमेंट के कई, जैसे ठाकुर पवन सिंह थे ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे, ये दरंग से हार गए, जवाहर ठाकुर से, ये सवाली हार गए, अरुण कुमार गुप्ता थे, और ठाकुर सिंह भरमौरी हार गए जी आलाल से बीजेपी के। ठीक है,
और सुधीर शर्मा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये हार गए किशन कपूर से, एक्साइज मिनिस्टर प्रकाश चौधरी हार गए कर्नल इंदर सिंह से, ठीक है। और नए विक्ट्रीज से कौन है जो नए जीते, टोटल 23 न्यू जीती है, ठीक है। 17 MLA बीजेपी के, 4 कांग्रेस के और 2 इंडिपेंडेंट, कमलेश कुमारी बीजेपी की बोरल से ये भी जीती है, और ब्रिज कुमारी बुटेल के बेटे आशीष बुटेल ये भी जीते हैं कांग्रेस के पहली बार, ठीक है। और बीजेपी कमलेश कुमारी कितने वोटों से जीती है, 6,892 सुरेश कुमार से, ठीक है। और आशीष बुटेल किससे जीते हैं, इंदु गोस्वामी के खिलाफ, और कितनी वोटों से, 4,324, ठीक है। और कांगड़ा और मंडी से क्या रिजल्ट आई है, सही है। कांगड़ा में आपको पता है 15 सीटें हैं, ठीक है, इन 15 में से बीजेपी को 11 मिली और 3 ही मिली थी कांग्रेस को, ठीक है। मंडी में तो देखो कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बुरा था, सिर्फ एक ही सीट मिली, ठीक है। और बीजेपी को कितनी, 9 सीटें, ठीक है। और मार्जिन के बारे में, कौन सा ज़्यादा मार्जिन जीता, विनोद कुमार नक्षण जीते हैं ये लाल सिंह को, और लोएस्ट मार्जिन जगत सिंह नेगी 120 वोटों से जीते हैं किन्नौर में तेजवंत सिंह नेगी के खिलाफ। और ये 4 इस बार सीटें आई हैं विधानसभा की जो वुमेन्स के लिए, आशा कुमारी डलहौजी से, तरवीन चौधरी शाहपुर से, रीता धीमान इंदौर से, कमलेश कुमारी भोरेड से, ठीक है। और सीटों में क्या रिजर्वेशन है, एससी एसटी के लिए टोटल 20 सीटें रिजर्व हैं, 17 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, ठीक है। और इन 17 में से कांग्रेस को सिर्फ 4 मिली है एससी में, ठीक है, और 13 बीजेपी मिली है, और 3 सीटें रिजर्व फॉर एसटी हैं जिसमें से कि एक कांग्रेस को मिली है किन्नौर वाली और बाकी 2 बीजेपी वाली है। और ये जयराम ठाकुर जी हैं, ये हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं और ये 14वें बने हैं हमारे सीएम, ठीक है, ये बताया गया। और ये 5 बार एमएलए रह चुके हैं मंडी से, ठीक है, मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और ये मंडी से पहले हैं जो मंडी से बने हैं सीएम, ठीक है। और ये बताया गया कि किस तरह इन नरेंद्र तोमर ने अनाउंसमेंट की थी कि क्या कहते 25 दिसंबर को कि हमारे नए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के, आपको पता होगा कितना भी विवाद हुआ था इनके लिए भी कि कौन बनेगा, और अब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है इंडियन जो प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन, तो ये आर्टिकल 324 है, ठीक है। हु अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। और करंटली देर हाउ मैनी मेम्बर्स इन इलेक्शन कमीशन, तो आंसर है 3। और वैन वॉज इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म, ये बना था 1950 में। और टेनर ऑफ ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये 6 ईयर या 65 साल की एज है। और हेडक्वार्टर का इसका इलेक्शन कमीशन का, ये है दिल्ली में, ठीक है। पहली वुमेन कौन है जो इलेक्शन कमीशन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है, वो है BS रमा देवी, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन हु डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, तो ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद। आशा है आप सबको ये प्रयास पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वो आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।